मैं बेटे अंकुश से पूछ लेता हूँ। बेटे पूछिए। बेटा तुम किसके साथ रहोगे, मम्मी के साथ कि पापा के साथ? मम्मी के साथ। बेटे राजा सही सही बोलो, तुम किसके साथ रहोगे, मम्मी के साथ कि पापा के साथ? बोलो बेटा किसके साथ? क्या बोला? मम्मी के साथ। देखे हंसो हंसो। ये बात करने की जगह नहीं है, सेल्फी लेने का जगह है। ओह तुम तो खामखा चढ़ जाती हो भाई। गोतिन बनल बिया सोतिन हमार, दुनो परानी में डाले दरार। बाबू आप अंकुश के पापा को देखे हैं? नहीं देखे हैं भाभी। देखिए ना, बोले थे कि हॉस्पिटल जा रहे हैं कोरोना का सुइया लेने, वैक्सीन लेने, अभी तक आईबे नहीं किए हैं। अभी तो टाइम हो गया, अभी तो डॉक्टर सब निकल गए, अभी तो आ जाना चाहिए। अब सवेरे से निकले हैं तो क्यों परेशान हो रही, आ जाएंगे। तो आप नहीं देखे? नहीं। ठीक है, टेंशन मत। हंसो हंसो। जानू संगीता परेशान हो रही होगी, हम लोग सुबह ही कोरोना का वैक्सीन लेने निकले थे और अभी तक घूम रहे हैं। चलो अब चलना चाहिए, फिर कल हम लोग आएंगे। चलिए फिर तुमको हम कल बोटिंग कराएंगे। ठीक। चाउमीन खिलाएंगे, चाट खिलाएंगे। ठीक है। मेरी सेल्फी का क्या हुआ? ओ बाबा कितना सेल्फी सेल्फी करती हो, तुम्हारा यही काम है, सेल्फी लेती हो और अपनी बहनों को भेजती हो, माँ को भेजती हो। ये लो बाबा। देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो, मुझे तो लगता है इस जमीन पर अप्सरा परी से भी तुम ज्यादा सुंदर हो। सच में? सच में तुम बड़ी खूबसूरत हो। अब हमें घर चलना चाहिए, संगीता इंतजार कर रही होगी, काफी देरी हो गई। कल फिर आएंगे हम लोग और कल फिर जंगल की सैर करेंगे। कुछ और फोटो ले लीजिए ना। ओ, फिर फोटो फोटो करती हो। अच्छा आप लोग यहाँ हैं, आपका ये है हॉस्पिटल और ये है कोरोना वैक्सीन। तुम खामखा शक संदेह करती हो, हॉस्पिटल गया था कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लंबी लाइन लगी थी, जब इसकी बारी आई तो पारो को मैं इंजेक्शन दिलवा कर आ रहा हूँ, इसको चक्कर आने लगा तो फिर मैं चल गया चाउमीन चाट की दुकान पर, फिर ये नाश्ता की, फिर बोली। आपका हमेशा हमेशा रोज रोज का बहाना है। सुनो जो भी बातें करनी है जानू घर पे होगी, चलो। ये बात करने की जगह नहीं है, सेल्फी लेने का जगह है। ओह तुम तो खामखा चढ़ जाती हो भाई, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप तो एक एक बहाना करके घूमने का, खाली घूमने इसको लेके आते हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, तुम खामखा चढ़ जा, दिखा के घूम रहे तो नहीं कुछ कर रहा है लोग, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बात करती हो तुम, और दो को शादी कीजिए। ओ बाबा ये बातें नहीं होगी, चलो घर चलो। चलो जी। वो नहीं जाना है। अरे यहाँ पे फैसला कीजिए तभी हम जाएंगे। जंगल में बातें नहीं होगी, घर की बातें घर में होगी। यही का बात है, यही खत्म होगा। समझाओ इसे। नहीं नहीं, यहाँ का बात है, यही खत्म होगा। वो क्या समझाएगी हमको? तुम ज्यादा बोलती हो। वो क्या समझाएगी? तुम्हारी यही बोलने की, तुम्हारी यही बीमारी है बोलने की। चुपचाप रहिए आप, एकदम चुपचाप रहिए। ठीक है, गलती भी किया है, ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या मैं गलती किया हूँ? गलती नहीं किया है, दूसरा शादी क्यों की है? दूसरा शादी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, जब शादी के 10 साल बाद तक तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकी तो क्या मैं शादी नहीं करता? मैंने कौन सा गुनाह किया? देखो तुम चिंता मत करो, ठीक है तुम्हारा बच्चा भी हो गया, इसका बच्चा भी है, तुम्हारे बेटा अंकुश के लिए तुम बड़ी वाली हो, तुम्हारे लिए 2 कट्ठा जमीन खरीदूंगा मैं हाईवे के किनारे, चाहोगी? छोड़ दीजिए सपना, मत देखिए, इतना घूमने से जमीन नहीं खरीद पाइएगा। मेरा भी एगो बेटा है, उसका भी बेटा है, कहाँ से आएगा? अरे बाबा तुम्हारे बेटे के लिए क्या चाहिए बोलो हमसे, तुम्हारे बेटे आप क्या किए हैं बेटे के लिए बताइए? अरे तुम्हारा बेटा क्या मोबाइल ले लेते हैं, उसको मोबाइल दे दिए, अपने मोबाइल ले लिए, सेल्फी ले रहे हैं, घूम रहे हैं, चाट चाउमीन खा रहे हैं। अरे तुम्हारे बच्चे के नाम पे जमीन में खरीदूंगा। कब खरीदिएगा? सपना मत दिखाइए। अरे सारी लड़ाइयाँ यहीं पर होगी। वही ना, सपना मत दिखाइए, घर की बात सपना उसको दिखाइए, हमको मत दिखाइए। क्या चाहती हो बोलो ये बताइए, मेरा बेटा अंकुश का क्या होगा,
मेरे बेटा राजा का क्या होगा? और घूम लेके सेल्फी। अरे अंकुश के लिए भी जमीन खरीदूंगा, तुम्हारे बेटे राजा के लिए भी जमीन खरीदूंगा। कब खरीदेंगे? आखिर दोनों का बाप तो मैं ही हूँ ना। और घूमिए। अरे बाबा, वाल्मीकि नगर सभी लोग घूमने आते हैं, घूमने से क्यों तुम्हें बैर है? देखो छोटकी, टेंशन मत लो, आखिर अंकुश का पापा मैं हूँ, राजा का पापा भी मैं हूँ, तुम भी हमारी हो, तुम पुरनकी हो, नौकी है, दोनों के साथ न्याय होगा। ठीक है, तुम लड़ाई झगड़ा खत्म करो, चलो घर पर बातें होगी, लेकिन 2 महीना का समय दो, तुम्हारे बेटे के लिए 2 कट्ठा जमीन मैं खरीदूंगा और तुम्हारे बेटे के लिए 1 कट्ठा जमीन खरीदूंगा। ठीक है, देखते हैं सपना। चलो लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन तू हमेशा मेरा मूड खराब करती हो, बस ये मैं जानता हूँ। आप सही है। गोल्डिंग बनल बिया सोतिन हमार, दुनु परानी में डाले दरार। देखो तू बड़बड़ मत बोलो, मैं बेटे अंकुश से पूछ लेता हूँ। बेटे पूछिए। बेटा तुम किसके साथ रहोगे, मम्मी के साथ कि पापा के साथ? मम्मी के साथ। देख लिए? अरे बाबा ठीक है, और पूछिएगा? तुम्हारे साथ ही रहेगा, ये तुम्हारा बच्चा है। हाँ मेरा बच्चा है। ठीक है, 2 कट्ठा जमीन खरीद दूंगा, मकान बनवा दूंगा। बेटे राजा सही सही बोलो, तुम किसके साथ रहोगे, मम्मी के साथ कि पापा के साथ? बोलो बेटा किसके साथ? क्या बोला? मम्मी के साथ। देखे आप सुन लिए अच्छे तरीका से, दोनों मम्मी के साथ रहेगा, ये भी मेरे साथ ही रहना चाहता है। देखो बाबा मैं यही कहता हूँ, अब मैं अकेले रह लूंगा, तुम जहाँ रहोगी तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम जहाँ रहोगे तुम्हारा बेटा रहेगा, मेरी पूरी जमीन ले लो, पूरी दौलत ले लो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा हिमालय पर्वत पर, वहीं तुम छोड़े अकेला, अपना हक कोई नहीं मांगेगा। मैं हक दिया बाबा, मेरी पूरी जमीन जायदाद आधा आधा बांट लो, आधा तुम ले लो, छोटी वाली आधा तुम ले लो, बस बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा। कोर्ट भी न्याय देता है कि बेटी माँ के साथ रहती है और बेटा बाप के साथ रहता है, लेकिन बच्चों ने भी तुम्हारी पढ़ाई पढ़ ली है। हाँ। बेटे कहाँ रहोगे, मम्मी के साथ पापा के साथ? मम्मी के साथ। बेटा तुम कहाँ रहोगे, मम्मी के साथ पापा के साथ? मम्मी के साथ। मैं समझ गया, मैं अकेला हूँ, मैं छोड़ दो, तुम दोनों रहो। नहीं छोड़ेंगे, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। मैं जाऊंगा हिमालय पर तपस्या करूंगा। क्यों रहिएगा? क्यों शादी की है? दो शादी क्यों की है? अरे बाबा 2 शादी कौन सा गुनाह है? राजा नहीं गुनाह है तो झेलिए। राजा महाराजा 10-10 शादियां करते थे, पहले के राजा महाराजा 10 शादियां करते थे। पहले का बात छोड़िए। देखो कृष्ण भगवान के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी और प्रेमिका राधा रहती थी, कहाँ कोई दिक्कत थी? तो सुनिए ना, राधा प्रेमिका थी, हम लोग दोनों सौतन है। हाँ हम दोनों सौतन है तो हमेशा झगड़ा होबे करेगा। अरे बाबा अब मैं सोच रखा हूँ, एक को वाल्मीकि नगर रखूंगा और एक को मैं गोरखपुर रखूंगा, यही रास्ता है। और जनवरी में तुम्हारे साथ रहूंगा, और फरवरी में तुम्हारे साथ, मार्च में तुम्हारे साथ, अप्रैल में साथ। बेटे मैं जा रहा हूँ हिमालय पर्वत पर तपस्या करने। अंकुश बेटा क्या मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या करने जाऊँ? राजा बेटा क्या मैं तपस्या करने जाऊँ? मैं जा बच्चों के चलते मैं रुक जा रहा हूँ, मैं कान पकड़ के उठा बैठी करता हूँ, खाना पीना कम देना, लेकिन टेंशन मत देना, लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम दोनों मिल के रहो, अब मैं 3री शादी नहीं करूंगा। ठीक है? सुधर गए? सुधर गए, 2 शादी ही काफी है। जीवन में चाहिए खुशहाली तो एक घर वाला और एक घर वाली। मैं तो शादी करके फंस गया, मुझे 2 शादियां नहीं करनी चाहिए थी। खैर लेकिन आपके लिए कहना चाहूंगा, जीवन में चाहिए खुशहाली तो बस एक घर वाला और एक घरवाली। आप भी बजाओ ताली, खाओ दूध की छाली, एक घरवाला और एक घरवाली। आप दोनों मिलकर रहिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, सॉरी।